अस्सलाम वालेकुम, राबे की किचन में आप सबको खुशामदीद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बनाएंगे राबे के किचन में गुलाब जामुन की रेसिपी। हलवा स्टाइल में बनाएंगे हमारे किचन में गुलाब जामुन की रेसिपी, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। तो चलते हैं बनाने की तरफ। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर ली हूँ मैंने 1 कप भरकर मैदे का आटा, 1/2 कप ली हूँ मैंने खोआ, चाशनी के लिए ली हूँ 1.5 कप, इससे 1.5 कप मैंने चीनी ली हूँ और 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे इलायची पाउडर। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चाशनी बना लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे 1 कप पानी और ये 1/2 कप 1.5 कप इसमें पानी डाल देंगे। अब डाल देंगे साथ ही में शक्कर, हल्की एक तार होने तक इसको पकाएंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे चाशनी। हम लोग चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे। शक्कर घुलने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर हमारी शक्कर अच्छे से पक चुकी है, घुल चुकी है शक्कर हमारी। अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इलायची पाउडर डालकर अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। अब यहाँ पर हमारी चाशनी अच्छे से पक चुकी है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे चाशनी को। 1 से 2 मिनट हो गया पकाकर, चलते हैं हम लोग आटा गूंदने की तरफ। अब गैस को बंद करेंगे, अब चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे आटा, 1 कप भर के ये आटा है मैदे का, ये डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 1/2 कप खोआ। अब खोआ और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटा गूंद लेंगे, आप लोग पानी से भी गूंद सकते हैं इसको। तो इस तरह से आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और इसको कम से कम 1/2 घंटा हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे के बाद मिलती हूँ, फिर मैं आपको गुलाब जामुन बना के बताती हूँ। तो यहाँ पर गोली के साइज का आटा लेंगे और इसको मेरे हाथ को देखो आप लोग ऐसा रगड़ेंगे, जब जाके ये एकदम अच्छे से बिगर क्रैक वाला पेड़ा बनेगा। तो इस तरह से आपको बनाना है पूरे पेड़े एकदम चिकने करके। अब ये बच्चे जो गोटी खेलते हैं ना, उतना ही साइज़ का हम लोग लेंगे, लेकिन ये तलने के बाद चाशनी में जाने के बाद नींबू की जितना बड़ा होएगा इंशाल्लाह। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, लंबे भी बना सकते हैं। लंबा भी मैं आपको एक बना के बताती हूँ। लंबा गुलाब जामुन बनाने के लिए थोड़ा नींबू के साइज़ का पेड़ा लेंगे और इसको भी ऐसी ही पूरा ऐसा अच्छे से मलेंगे। ये थोड़ा साइड में ऐसा आता है, इसको थोड़ा इसे हाथ से दबा लेंगे दोनों तरफ से और इसको तो इसको थाली में डाल के हल्के से रोल करेंगे। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 2-3 ये बनाऊंगी, थोड़े गोल बना के आपको बताती हूँ। तो इस तरह से पूरे मैंने गोले बना ली हूँ और ये लंबे साइज़ के 3 से 4 ये बना ली हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग तलने की तरफ। तेल का टेम्परेचर भी एकदम कम रखेंगे हम लोग, तो एक गोली ऐसी बना के इसमें डाल देंगे। अगर ऊपर आ रही है तो फिर हम लोग फटाक के साथ डाल देंगे सब गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हमारा तेल एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है। अब हम लोग डाल देंगे इसमें 1-1 करके गुलाब जामुन और तेल को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन भी अच्छे से घूमे और छिटके नहीं नीचे। ऐसा करने से हमारे गुलाब जामुन पे एक जैसा कलर आएगा, नीचे से लगेंगे नहीं, दाग नहीं लगेंगे गुलाब जामुन पर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमारे गुलाब जामुन पे एक जैसा कलर आ रहा है, कहीं से भी नहीं जले। तो इसी तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना इस गुलाब जामुन को। तो ये परफेक्ट हमारा कलर आ चुका है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको शक्कर की चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी तल रहे हैं हम लोग और थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो मैं निकाल के ये भी चाशनी में डाल दूंगी। तो अभी यहाँ पर कलर अच्छा आ चुका है गुलाब जामुन पर, अब इसको भी निकाल के मैं चाशनी में डाल दूंगी। तो ये हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब जो जो पहली ट्रिप के ये बहुत बड़े हो गए, अभी थोड़े छोटे ये भी फूल जाएंगे। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। आजू बाजू से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बीच में से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।